अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज सेंटर और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल और असम में भाजपा की चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के पीछे तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति जिम्मेदार है। बंगाल के आदिवासी जंगल महल इलाके में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2 मई को ममता बनर्जी का खेल खत्म हो जाएगा और विकास शुरू हो जाएगा। बंगाल के लोग बहुत पहले से मन बना चुके हैं। बंगाल के लोग बहुत पहले से कह रहे हैं लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। लोगों का ये इरादा देख दीदी अपनी खींच मुझ पर निकाल रही है, वो क्या क्या नहीं कह रहे, वो भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भी भड़की हुई है, लेकिन हमारे लिए तो देश की करोड़ों बेटियों की तरह दीदी भी भारत की एक बेटी है जिनका सम्मान हमारे संस्कारों में रचा बसा है। और इसलिए जब दीदी को चोट लगी तो हमें भी चिंता हुई। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनके पैरों की चोट जल्द से जल्द ठीक हो। भगवान के प्रार्थना कोरी अपनी शीघ्र ही सुस्त हो उठे। बोले फैला हो गए, बीजेपी बोले चाकरी हो गए, दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले विकास हो गए, दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले शिक्षा हो गए, दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले महिला देर उत्थान हो गए, दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले जुबो शक्ति संपूर्ण विकास हो गए, दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले सोमार पाका बाड़ी हो गए, दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले प्रत्येक घरे कौन हो गए दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले ग्रामे ग्रामे जोनो सुविधा हो गए, दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले अस्पताल हो गए, दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले स्कूल हो गए, दीदी स्कूल हो गए, दीदी ओ दीदी बांग्लार भाई बने देर चिंतार खेला आपने 2 बछर खेले छे, खेला शेष हो गए, विकास आरंभ हो गए। यही नहीं,
प्रधानमंत्री ने असम में भी भाजपा के सत्ता में लौटने का विश्वास जताया और राज्य के साथ कांग्रेस की भेदभाव वाली नीति की जोरदार आलोचना की। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि किसी भी हद तक जा सकती है, चुनाव के दौरान किसी के साथ भी हाथ मिला सकती है। कांग्रेस ने असम को हर प्रकार से डिवाइड रखा, भाजपा ने असम को हर प्रकार से कनेक्ट करने का प्रयास किया। बराक, ब्रह्मपुत्र, पहाड़ भैयाम, हर क्षेत्र का एक समान विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही भाजपा का विकास का मंत्र है। आज एक तरफ भाजपा की नीति है, भाजपा का नेतृत्व है और भाजपा की नेक नियत भी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसके पास न तो नेता है, ना ही नीति है और ना ही विचारधारा है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमलावर रुख बरकरार रखते हुए कहा कि चक्रवात अम्फान के बाद उनकी सरकार ने प्रभावितों की हर संभव मदद की और हो सकता है कि एक या दो लाभार्थी छूट गए हों, लेकिन भाजपा के नेताओं को संकट के उस समय में कहीं नहीं देखा गया, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा। पश्चिम मेदिनीपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने दावा किया कि भाजपा नेता चुनाव से ठीक पहले मतदाताओं को लुभाने और वोट हासिल करने के लिए बाहर से नकदी के साथ हेलीकॉप्टर और विमानों से यहां पहुंचते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR को लागू नहीं होने देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि गणना करने वालों की यात्रा के दौरान घर पर नहीं पाए जाने पर भाजपा मतदाताओं के नामों को हटा देगी। उन्होंने कहा किसी भी परिवार के एक भी सदस्य, देश के किसी भी नागरिक को बंगाल से निकाला नहीं जा सकता है। भाजपा को दंगाइयों की पार्टी बताते हुए उन्होंने कहा हम हिंसा नहीं चाहते हैं, हम खून खराबा नहीं चाहते हैं और हम बंगाल में प्रतिशोध की राजनीति नहीं चाहते। इस बीच सुप्रसिद्ध TV धारावाहिक रामायण में भगवान श्रीराम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी मुख्यालय पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अरुण गोविल ने भाजपा की सदस्यता ली। मानना यह है कि हर काम का, हर बात का एक समय निर्धारित होता है और वो निर्धारण वो करता है। आपके प्रश्न का पूरा उत्तर यही है, लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियां इस तरह से बनती हैं जिसे हम कहते हैं कि काल, समय और परिस्थिति, उसके अनुसार जो व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है उसी को उस व्यक्ति का धर्म कहा जाता है। धर्म हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता, ये संप्रदाय हैं। धर्म वही होता है कि इस समय, इस काल परिस्थिति समय में हमारा क्या कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। जहां तक राजनीति का प्रश्न है, राजनीति की परिभाषा पहले कुछ और हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले। मेरे हिसाब से राजनीति को मैं बहुत स्टेटस की चीज नहीं मानता था। मैम सॉरी, मैं जो कह रहा हूँ सर, दिल से कह रहा हूँ बिल्कुल, कि मुझे बहुत नहीं समझ में आती थी ये बात। लेकिन जब से श्री नरेंद्र मोदी ने, वो उनका नेतृत्व मिला है और उन्होंने इस देश को संभाला है जब से, तब से जो परिभाषाएं बदली हैं राजनेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की, उनके आचार विचार, उनके कर्मों की, उनकी सोच की, उनके प्रेजेंटेशन की, उनके प्रोजेक्शन की, उससे ये सारी परिभाषाएं बदल गई हैं। तो इसलिए अब वो बात जो पहले थोड़ी ऐसे लगती थी, अब ऐसे लगती है। तो ये है राजनीति अब। और मैं, जिसे अगर सभी सही शब्दों में पहले राजनीति कहा जाता था, वो मुझे आती नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, मैं एक बहुत स्ट्रेट लाइन चलने वाला इंसान हूं। मेरे दिल दिमाग में जो आ जाता है मैं वो कर लेता हूं। और मैं यहां राजनीति के लिहाज से नहीं हूं, मैं यहां अपनी कर्तव्य नीति के लिहाज से हूं। आज जो मेरा कर्तव्य है यहां पर, बीइंग एन एक्टर, मैंने रामायण की, उसमें जो
पारिवारिक एक तरह से योगदान होता है उस क्षेत्र में, एक सामाजिक क्षेत्र में जो योगदान होता है उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन था वो मैंने, मेरे से हो गया है, मैंने नहीं किया है, कराया तो उसने था, पर मेरे से हो गया है वो। अब जो राष्ट्र सेवा की बात है या राष्ट्र निर्माण की बात है, उसमें जो मैं ज़रूर अपना जो बिट है मेरा कंट्रीब्यूशन का वो मैं ज़रूर देना चाहूँगा, उसके लिए वी नीड ए प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे खड़े होकर यदि हम कोई बात कहें तो वो सुनी तो जाएगी फिर हमारे से। तो इसके लिए जो प्लेटफॉर्म इस समय है वो सबसे अच्छा यही प्लेटफॉर्म है जहां मैं बैठा हूं। तो ये हुई बीजेपी की बात। दूसरा जो एक ट्रिगर पॉइंट बना मेरे लिए, मुझे जैसे अरुण सिंह जी ने अभी कहा, ममता जी को जय श्री राम के नाम से एलर्जी हो गई। मतलब जय श्री राम कोई नारा नहीं है, ये पॉलिटिकल नारा भी नहीं है, ये उद्घोष है, ये हमारा जीवन है, हम इस पे जीते हैं, ये हमारे आदर्श है, हमारे संस्कार है। और आज उस देश में किसी को बात से। इसके अलावा भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों का भी गुरुवार को ऐलान कर दिया। उम्मीदवारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, सांसद जगन्नाथ सरकार, बंगाल में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा, अभिनेता इंद्रनील घोष सहित कई अन्य नाम शामिल हैं। सूची में शामिल प्रमुख नामों की बात करें तो मुकुल रॉय कृष्णानगर उत्तर से, हावड़ा से राहुल सिन्हा, भाटपाड़ा से पवन सिंह, जगदल से अरिंदम भट्टाचार्य, नोवापाड़ा से सुनील सिंह और बैरकपुर से चंद्रमणि शुक्ला चुनाव लड़ेंगे।